हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एसो प्रेडेटर हीलियस 300 2019 वेरिएंट के बारे में। बताऊंगा मैं इसके आपको स्पेक्स, प्राइस, रिलीज डेट इन इंडिया। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू कर देना। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो उसमें आपको टू वेरिएंट्स मिल सकती हैं, जो कि 15.6 इंच का और 17.3 इंच का। तो उसमें आपको 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर आईपीएस पैनल वाली डिस्प्ले मिल जाएगी। और डिज़ाइन की बात करें तो आपको बेजल लेड डिस्प्ले मिलेगी, और जो पुराने वाला एसो प्रेडेटर था उससे थोड़ा पतला ही लैपटॉप होगा इस बार। और आपको कीबोर्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा टर्बो बूस्ट का, जिससे आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं अपने जीपीयू को। एक बटन दबाते ही ओवरक्लॉक हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं स्पीकर्स की। तो उसके अंदर आपको 5.1 के स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर आपको 5 स्पीकर्स मिलते हैं या 5.1 चैनल के स्पीकर मिलते हैं। चलो दोनों में से जो भी मिले हैं, लेकिन स्पीकर्स तो इसके लाउड होने वाले हैं। तो जैसे कि पिछले प्रेडेटर के भी लाउड ही थे स्पीकर्स। तो आगे बात करते हैं कीबोर्ड की। तो उसके अंदर आपको फुल साइज़ का कीबोर्ड मिल जाता है, वो भी 4 कलर की RGB बैकग्राउंड लाइट के साथ। तो 4 कलर्स आपको जो मिल जाते हैं वो हैं येलो, पिंक, ब्लू एंड ग्रीन। और जो गेमिंग कीज़ मिलती हैं WSY और एरो कीज़, वो भी इसके अंदर हाईलाइटेड मिलती है, वो भी ब्लू कलर में हाईलाइट करके दी गई हैं। तो आगे बात करते हैं पोर्ट्स की। तो उसके अंदर आपको लैन केबल स्लॉट मिल जाता है, हेडफोन जैक मिल जाता है, HDMI जैक मिल जाता है, मिनी डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, और टाइप सी भी मिल जाता है, और 3 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो आगे बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको मिल सकता है i7 9th जनरेशन का प्रोसेसर। तो आगे बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो उसमें आपको RTX सीरीज मिल सकती है, जो कि है 2060 एंड 2070, दोनों ही वेरिएंट आ सकते हैं इसके। और 2070 वाला तो कन्फर्म ही है, 2060 वाला अभी कन्फर्म नहीं है। आगे बात करते हैं रैम की। तो उसके अंदर आपको 32 GB तक का इसका हायर वेरिएंट मिल सकता है। तो आगे बात करते हैं स्टोरेज की। तो उसके अंदर आपको 512 GB की SSD मिल सकती है, और प्लस 2 TB की हार्ड डिस्क मिल सकती है। तो ये इसका हायर वेरिएंट में हो सकता है। तो आगे बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की। तो उसके अंदर आपको 4th जनरेशन का एरो ब्लेड ड्यूल फैंस मिल जाते हैं। तो एरो ब्लेड फैंस 4th जनरेशन के मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी थोड़ी फ़ैन की लाउडनेस कम होगी, मतलब साइलेंट फैंस होंगे। तो इस बार ये अच्छे बात किया गया है, दोनों ही फैंस अलग अलग साइड्स पे लगाए गए हैं। पिछली बार जैसी गलती नहीं की, जैसे एसर प्रेडेटर में दोनों ही फैन इकट्ठे लगा दिए थे, तो ये जिसके कारण वो लैपटॉप बहुत हीट होता था। तो इस बार इन्होंने वो गलती नहीं की है, दोनों ही फैन साइड साइड पे लगाए हैं। तो इसके अंदर 4 वेंट्स भी मिल जाते हैं वेंटिलेशन के लिए, तो ये भी अच्छी बात है। 2 आगे वेंट्स तो 2 साइड में वेंट, जिसके कारण वेंटिलेशन अच्छी होगी। तो आगे बात करते हैं प्राइस की। तो इसकी जो बेस प्राइस हो सकती है, मतलब जो बेस वेरिएंट शायद इसका होगा, क्योंकि वेबसाइट पे इसकी प्राइस लिखी हुई है $1200। तो $1200 तो यार 83,000 होते हैं इंडियन करेंसी में। तो उस हिसाब से इसका बेस वेरिएंट भी आ सकता है, जो कि 83,000 से स्टार्ट होगा। और जो मैक्स प्राइस की बात करें, जो हायर वेरिएंट की प्राइस होती है, वो 2 लाख तक जा सकती है। तो रिलीज़ की बात करें इंडिया में, तो जैसे कि पिछली बार जो प्रेडेटर रिलीज़ हुआ था, वो हुआ था 2017 में जुलाई में, तो साथ से वो अगस्त में इंडिया में आ गया था। तो 1 से 2 महीने में ये भी लैपटॉप इंडिया के अंदर आ सकता है। 14 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ था बाहर, और ये मई जून तक इंडिया में भी आ सकता है। बाकी मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको कंफर्म रिलीज डेट इसकी बता दूंगा, जब मुझे पता लग जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।